बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम बच्चों। आज जो है मैं 7.3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है जी, दर्ज ज़ैल के दरमियान जमी वस्त मरूम कीजिए। तो जमी वस्त मरूम करने के लिए हमें जो है ना इसका फार्मूला याद करना पड़ेगा। और ये जो आपके चार क्वेश्चन हैं और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर दफ़ा एक शार्ट आपका ज़रूर आएगा। जमी वस्त का फार्मूला आप देख लीजिए, इसको आपने याद कर लेना है। जमी वस्त इज इक्वल होगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू, ये इसका सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास। इसको हम ए एम भी कहते हैं, यानी कि ए एम ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू। तो यानी कि अगर आपको वो सिंपली कह दे कि फाइंड द ए एम, तो फिर भी आपने जमी वस्त ही मालूम करना है। ए एम का मतलब है अरिथमेटिक मीन, इसको भी आपने याद रखना है, अरिथमेटिक मीन जी। तो ये फार्मूला आपका सिंपल सा फार्मूला है। इनमें से कोई भी दो वैल्यूज हमें दी हुई हैं, इनमें से कोई भी एक ए रख लें और कोई भी दूसरी जो है ना आप बी रख लेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, दो पे डिवाइड कर देंगे। उमूमी तौर पे हम पहली वैल्यू ए रख लेते हैं, दूसरी वैल्यू हम बी रख लेते हैं और उसको लेके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल सा फार्मूला है, इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना। तो अब हम करते हैं जी क्वेश्चन इसका। जी इसमें से पहली वैल्यू हम ए रख लेते हैं, यानी कि ए इज इक्वल -3, बी इज इक्वल +7। और इसका जमी वस्त के लिए हम सिंपल ए यूज़ कर लेते हैं, हाली ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ये इसका हमारे पास फार्मूला है। इसमें वैल्यू पुट कर ले, -a की जगह पे आप लगाएंगे -3, बी पे +7 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 4 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, 2 2 4। तो इस ये हमारे पास इसका 2 आंसर आ गया। अब जो है इसका हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है वो करते हैं जी। वो है हमारे पास एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 7, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 7 जी। इसको भी आप जो एक्स माइनस 1 फर्स्ट वैल्यू को ए के बराबर कर लें, सेकंड वैल्यू को बी के बराबर कर लें, जमी वस्त का फार्मूला आप लगा लें, ए इज इक्वल ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर ए की जगह पे हम लगाएंगे एक्स माइनस 1 प्लस बी की जगह पर लगाएंगे एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 जी। तो x ये 1x है और ये भी 1x है, दोनों को प्लस कर लें तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 2x। माइनस 1 है प्लस 7 है, 7 में से 1 माइनस करें तो ये आ गया +6 डिवाइडेड बाय 2 आ गया नीचे हमारे पास जी। अब ऊपर दोनों में से हमारे पास देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 को दोनों पे डिवाइड करके इसको बाहर निकाल लेंगे। इनके 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 कट गया, x रह गया, 2 को 6 पे डिवाइड करें 2 3 6, नीचे हमारे पास क्या आ गया 2 2 2 से कैंसिल कर दें। तो इसका हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा जी x प्लस 3। तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब तो जी अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं, वो भी सेम इसी फार्मूले से होगा। जी थर्ड जो पार्ट है इसका हमारे पास वो है जी 7 का स्क्वायर रूट 3 और 7 का स्क्वायर रूट। इसको भी आप ए रख लें और दूसरी वैल्यू जो है इसको हम बी रख लेते हैं, 3 और 7 का स्क्वायर रूट। फार्मूला हमारे पास है ए इज इक्वल ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो ए पे हम लगाएंगे 7 का स्क्वायर रूट, बी पे लगाएंगे 3 और 7 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आप देखिए ए इज इक्वल ये 3 है और ये क्या है हमारे पास 1 है, तो ये हो गया 4 7 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो इसको आप काट दें, 2 2 4, 2 और 7 का स्क्वायर रूट इसका हमारे पास आंसर आ गया।
स्टूडेंट, अब इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, यहाँ पर आप देखिए इसको भी सेम वैसे ही हम फर्स्ट वैल्यू को एक्स के इक्वल करेंगे, सेकंड वैल्यू को हम करेंगे बी के इक्वल, एक्स के माइनस एक्स प्लस वन। अब हम इसका जमी वर्स का फार्मूला लगा देंगे, ए इज इक्वल ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू। यहाँ पर ए की जगह पे हम लगाएंगे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। तो यहाँ पर आप देखिए, आप एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर कितने हो गए, टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल हो गया, वन और वन कितने हो गए, टू डिवाइडेड बाय टू आ गया। अब फिर आप देखिए इन दोनों में से टू सेम है दोनों में, तो टू कॉमन ले लें, अब टू बाहर आ गया, टू वन ज़ा टू वन नहीं हम लगाएंगे इसके साथ, और टू वन ज़ा टू इनके, इसको इन दोनों को आपने टू पर डिवाइड करके टू बाहर लिख लेना है, डिवाइडेड बाय टू, टू टू से कैंसिल हो गया और हमारे पास जो इसका आंसर आ गया वो है जी एक्स स्क्वेयर प्लस वन। तो ये जो है हमारे पास इसका आंसर आ गया बच्चों। अब इसी जो पहला क्वेश्चन है जमी वस्त के रिलेटेड ही हमारे पास दो इसकी एग्जांपल हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इसको भी मैं आपको करवा देता हूँ। ये पहली एग्जांपल है, मिसाल है हमारे पास चार और आठ के दरमियान जमी वस्त मालूम करिए। तो ए जो है हमारे पास चार आ गया, बी जो है वो आठ आ गया, जमी वस्त का फार्मूला वही ए जमा बी डिवाइडेड बाय टू, ए पे रख लें फोर, बी पे रख लें आप आठ और नीचे टू आ गया, दोनों को प्लस करें आठ और चार बारह हो गया, बारह को दो पे डिवाइड कर दें, टू वन ज़ार टू, टू सिक्स ज़ार ट्वेल्व। तो इसका जो है छः हमारे पास यानी कि सिक्स आंसर आ गया, सिंपल सा है। अब इसकी दूसरी मिसाल है, मिसाल नंबर दो वो करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी दफ़ा आई हुई है जी। अब हम इसकी करते हैं जी मिसाल नंबर दो, उसमें उसने कहा जी ये हमारे पास है छः और पाँच का जज़र और दो और पाँच का जज़र में जमी वस्त मालूम करें। तो इसको हम देखिए, अब दो और पाँच का जो जज़र है ना, इसको हम ए रख लेते हैं और छः और पाँच का जो जज़र है हम इसको रख लेते हैं बी। तो अब इसको सॉल्व कर लें आप, सेम वही मेथड, ए इज इक्वल ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू, ए पे आप रख लें दो और पाँच का जज़र, बी पे रख लें छः और पाँच का जज़र, तकसीम कर दें दो पे, दोनों को प्लस करें आप देखें ये दो हैं ये छः हमारे पास कितने हो गए आठ, आठ और पाँच का जज़र तकसीम दो, दो एक दो दो चार आठ यानी कि टू वन ज़ार टू, टू फोर ज़ार एट। तो इसकी हमारे पास कटिंग हो गई, कटिंग हो गई हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया, फोर बाहर आ गया और फाइव जो है जज़र के अंदर आ गया। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। अब इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है जी, अगर ए और बी के दरमियान तीन और छः दो जमी वस्त हैं तो ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है। देखिए ये हमारे पास ए हो गया और ये लास्ट पे आ गया बी, इन दोनों के दरमियान में दो जमी वस्त उसने दे दी हैं, एक तीन है और एक छः है। तो हमने ये मालूम करना है कि तीन से पीछे इनके ए की जगह पे क्या है और बी के आगे सिक्स के आगे इनके बी की जगह पे हमारे पास क्या आएगा। तो हमारे पास ये जमी सिलसिला बना हुआ है, हम इधर से सबसे पहले डी फाइंड करेंगे, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। बी के लिए हम क्या करते हैं, ए टू में से ए वन को माइनस कर देते हैं, ए टू माइनस ए वन, या ए ए जो थ्री है उसमें से ए टू माइनस कर लेते हैं, या फिर ए की फोर में से ए की थ्री, यानी कि हम अगली वैल्यू में से पिछली माइनस कर लेते हैं। यहाँ से हम कौन सी यूज़ करेंगे, देखिए ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, ये ए फोर है,
तो ये हमारे पास ए थ्री में से हम ए टू माइनस करेंगे, यानी कि हम कोई भी इनमें से एक एक सेट ले लेंगे, उसको माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास डी आ जाएगा। फिलहाल हम यहाँ से ए थ्री माइनस ए टू ही ले सकते हैं, क्योंकि यही दो वैल्यूज हैं जिनको हम माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जब डी निकालना है तो हम करेंगे जी ए थ्री माइनस ए वन, तो सिक्स आ गया ए थ्री पे और ए वन पे हमारे पास क्या आ गया जी थ्री। इनको अगर आप माइनस करें तो हमारे पास क्या आ गया, डी की जो वैल्यू हमारे पास वो क्या आ गई जी, वो हमारे पास थ्री आ गई है। अब आप देखिए इनकी इनके मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। ये हमारे पास होता जी ए वन, ये ए टू, ये ए थ्री, ये ए फोर। ये आपने उसके ऊपर लिखना नहीं है, लेकिन आपने इसको याद रखना है, जब भी आपको इस तरह का सिलसिला दिया हो तो वो आपका ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, सिक्स, ऐसे ही ये इनके इनके नेम होते हैं। अब हमने फाइंड करना है जी पिछली वैल्यू, ए हमने फाइंड करना है। तो जब हमने ए फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ज़हर आपने इससे पीछे वाली वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि ए जो टू है ना उससे जो पीछे कौन सी हमारे पास वो फाइंड करनी है। तो आपने क्या करना होगा, ए जो टू है ना उसमें से आपने जो ए वन है डी को माइनस कर देना है। जब आपने यानी कि ये जो वैल्यू है ए फाइंड करनी है तो इसमें तो ज़ाहिर है पीछे वाली माइनस करनी है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा वैल्यू। तो ए टू हमारे पास थ्री है, उसमें से डी हमारे पास भी थ्री है, तो अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इसका ज़ीरो आंसर। तो जब आपने ये थ्री है तो फोर वाली यानी कि अगली वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर आपने डी को प्लस कर लेना। बस आपने ये याद रखना है, जब आपने किसी पीछे वाली वैल्यू फाइंड करनी होगी तो डी को माइनस करना है, और उससे आगे वाली वैल्यू फाइंड करनी होगी तो डी को आपने प्लस कर लेना। अब आपने बी फाइंड करना है ना जब, तो आप करेंगे क्योंकि बी या ए फोर, तो आपने ए थ्री में डी प्लस कर लेना। डी वो नंबर है जो हर वैल्यू के दरमियान डिफरेंस है, यानी कि हम थ्री में ए में देखे ज़ीरो आ गया ना, ज़ीरो में आप थ्री प्लस करें थ्री हो गया, थ्री में थ्री प्लस करें सिक्स हो गया, सिक्स में थ्री प्लस करेंगे तो नाइन आ जाएगा। इसको हम प्रूव करके देखते हैं। ए थ्री हमारे पास क्या है सिक्स, डी हमारे पास क्या है थ्री, दोनों को हमने प्लस कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया जी नाइन आ गया। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास ए का आंसर आ गया और बी का आंसर आ गया। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर नाइन है वो भी मैं आपको इसी के साथ ही करवा रहा हूँ, क्योंकि वो भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। तो जी बच्चों आप देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन सेम टू सेम वैसे ही है जो क्वेश्चन नंबर टू की है। अगर दो अदाद ए और बी के दरमियान फाइव नाइन और थर्टीन, पाँच नौ तेरह, तीन जमी बस हों तो ए और बी की कीमत हम नोम करनी है। उसमें हमें दो वैल्यू थी, इसमें हमारे पास तीन है। तो पहले आप लिखेंगे ए, फिर आगे आप लिख दें फाइव नाइन थर्टीन, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा बी। ए और बी के दरमियान तीन वैल्यूज हैं। अब सेम वैसे ही हम डी निकाल लेंगे, ये ए थ्री या तीसरी वैल्यू है, उसमें से दूसरी वैल्यू हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास नाइन माइनस फाइव हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर। तो जब आपने ए फाइंड करना है तो ए के लिए हम क्या करेंगे, जो ए टू है दूसरी वैल्यू है उसमें से डी को माइनस कर देंगे। तो आप करेंगे फोर फाइव, ए टू जो दूसरी वैल्यू हमारे पास फाइव है, फाइव में से फोर माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा जी इसका वन आंसर। तो जब आपने बी फाइंड करना है तो सेम वैसे ही जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, तो उसमें आपने जो ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, तो ए फोर में आपने डी को प्लस कर लेना है। ए फोर हमारे पास थर्टीन है, प्लस फोर कर लें तो ये हमारे पास आ गया जी सेवनटीन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री है, ग्यारह और उन्नीस के दरमियान तीन जमी वस्त मालूम करें जी। 11 और 19 पहले आप लिख लें, इधर शुरू में 11 और इधर एंड पे आप 19 लिख लें। इसके दरमियान हमने तीन जमी वस्त निकालने हैं, तो जमी वस्त के लिए हम ए का साइन यूज़ करते हैं ना, तो ए वन निकालना है आपने, ए टू फाइंड करना है और ए थ्री जो है यहाँ से हम फाइंड करेंगे। पहले हम इसमें से डी फाइंड कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसके निकाल लेंगे। देखें ए हमारे पास क्या आ गया जी, 11 आ गया। उसके बाद वैल्यू गिन लें वन टू थ्री फोर फाइव, जो एन है हमारे पास वो आ गया जी फाइव, और वन टू थ्री फोर फाइव जो ए फाइव है, ये तो हमारे पास ए वन होता है ना, इसको अब हम ए भी लिख सकते हैं हाली। तो अब आपने ए जो फाइव पाँचवें नंबर पे जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, नाइनटीन है।
तो इसकी मदद से हम पहले डी फाइंड कर लेंगे। डी जो फाइंड करेंगे हम वो जमी सिलसिला वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ये आपको याद भी होगा, 7.2 में हमने अच्छी तरह इसको किया था। तो अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे, देखें ए एन है, एन पे हम क्या लगाएंगे 5, ए पे 11 प्लस एन जो है यहाँ पे 5 माइनस वन, और डी हम फाइंड करेंगे, डी सेम टू सेम वैसे ही आ जाएगा। ए जो 5 है वो हमारे पास क्या है जी 19 है, यहाँ पर हम रख देंगे 19, 11 प्लस 5 में से अगर हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 4, डी आ गया ये। अब 11 जो है वो इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस, हम करेंगे 19 माइनस 11 इज इक्वल 4D। तो 19 में से अगर आप 11 निकाल दें तो पीछे हमारे पास आ जाएगा जी, ये बच जाएगा 8 जी, 8 इज इक्वल 4D। तो अब हम क्या करेंगे, डी को इधर ही रखेंगे, 4 जो आगे डिवाइड कर देंगे, तो 4 वन ज़ा 4 और 4 2 ज़ार 8। तो डी जो है हमारे पास क्या आ गया जी 2। इसका मतलब है कि हर वैल्यू के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 2 का। हम हर वैल्यू में 2 प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास अगली वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर हम 11 है ना, 11 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा। फिर A1 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, A3 आ जाएगा। इसी तरह हम ये जो सारी वैल्यूज हैं ये फाइंड कर लेंगे। तब तो आप ये देखिए, यहाँ पर हम जब A1 फाइंड करेंगे ना, तो इसमें हम करेंगे ए प्लस डी। तो ए हमारे पास क्या है जी, ए हमारे पास है 11, इसमें हमने डी जो है 2 प्लस कर लेना है ऐसे। तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ गया, 13। तो अब हम ए 2 जब फाइंड करेंगे, ए 2 फाइंड करना है तो फिर ए 1 में डी प्लस कर लीजिए, जो आंसर आया होगा ना ए 1 का, उसमें हमने डी प्लस कर लेना है। A1 जो हमारे पास 13 आया है उसमें 2 प्लस कर लें, तो ये हमारे पास आ गया 15। सेम ऐसे ही अब आपने A3 जब फाइंड करना है, तो जो A2 का जो आंसर आया होगा उसमें आपने क्या प्लस कर लेना जी, डी। तो A2 का जो आंसर है हमारे पास वो है जी 15, उसमें 2 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। तो ये हमारे पास 13, 15 और 17 देख रहे हैं आप, 2 2 का डिफरेंस आता जा रहा है इन सब में। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 6 2 का जजर और 2 के जजर के दरमियान 3 जमी बस मलूम करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने 3 मलूम किए थे, इसमें भी हम 3 ही मलूम करेंगे। तो पहला हमारे पास जो है वो है 2 का जजर। अब आगे लिखें आप A1, A2, A3 और 6 और 2 का जजर। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास जो A है वो हमारे पास 2 का जजर है, और जो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ वैल्यूज़ n हमारे पास 5 है, और A5 पाँचवीं वैल्यू हमारे पास 6 और 2 का जजर है। यहाँ से हम डी फाइंड करेंगे, An इज इक्वल A+(n-1) मल्टीप्लाई डी। तो An जो हमारे पास है जी, An मतलब 5, ये बन गया n A5। A हमारे पास 2 का जजर है, n जो है हमारे पास 5 है माइनस 1 है, डी हमारे पास सेम आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। A5 की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं 6 और 2 का जजर है। अब इसकी जगह पे हम ये रख देंगे बराबर 2 का जजर जमा ये रह गया 4 और डी, और ये प्लस हो रहा है इधर आगे इसको 6 और 2 का जजर जो है ना, 6 और 2 का जजर, उसमें से 2 का जजर आप माइनस कर दें तो इधर आ गया 4D। अब वो 5 6 हैं तो 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 5 5 2 का जजर डिवाइड इज इक्वल 4D। 4 इधर हो रहा है प्लस, उधर जाके हो जाएगा सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड 5 और 2 का जजर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल डी। तो ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू हमारे पास क्या बनी है, इसको हम बस सीधा करके लिख लें, डी इज इक्वल 5 2 का जजर डिवाइडेड बाय 4। तो अब हम इसका A1 फाइंड करेंगे, A1 का फार्मूला आपका A+D। तो A की वैल्यू हमारे पास 2 का जजर है, प्लस D करेंगे
पाँच दो का डेजर्ट डिवाइडेड बाय चार। इसके नीचे हमारे पास देखिए वन है, तो हम इसका अब एलसीएम ले लेते हैं। फोर वन का एलसीएम हमारे पास फोर आ गया, फोर वन ज़ार फोर, फोर ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो वो फोर और दो का जैसा टू और दो का जैसा हो गया, और इधर से फोर वन था, फोर वन से मल्टीप्लाई हुआ तो फाइव और टू का जैसा। अब हम ऊपर इनको प्लस कर लेते हैं, फोर और फाइव हमारे पास होगा नाइन और दो का जैसा डिवाइडेड बाई चार। अब यहाँ पर हमारे पास है जी ए टू, तो ए टू जब हम फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे जी, जो हमारे पास ए वन का जो आंसर आया हुआ है उसमें हम डी प्लस कर लेंगे। ए वन का हमारे पास आंसर है नाइन ऊपर टू नीचे और फोर, टू का जजर और नीचे फोर, प्लस जो डी की वैल्यू हमारे पास हम वही यूज़ करेंगे फाइव टू का जजर और फोर। अब नीचे वाली देखें हमारे पास बिल्कुल सेम है, तो ऊपर वाली भी आप सेम ही लिख लेंगे, यानी कि नाइन दो टू का जजर फाइव टू का स्क्वायर रूट। तो अब हम क्या करेंगे, इनको हम कर लेंगे प्लस, नाइन और फाइव कितने हो गए हमारे पास फोर्टीन, ऊपर लिख लेते हैं इधर जी, हमारे पास आ गया जी ये फोर्टीन ऊपर और साथ इसके आ गया दो का जजर, नीचे हमारे पास आ गया फोर। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, टू टू ज़ा फोर, टू सेवन ज़ा फोर्टीन, सेवन और टू का स्क्वायर रूट, नीचे हमारे पास टू आ गया। अब ये हमारे पास ए टू आ गई। अब हम करेंगे इसका ए थ्री, तो जब ए थ्री करेंगे हम तो क्या करेंगे, जो ए टू का जो आंसर आया वो उसमें डी प्लस करेंगे। ए टू का जो आंसर आया हमारे पास वो है जी सात और दो का डजर डिवाइडेड बाय दो, जमा जो डी की वैल्यू है वो हमारे पास पाँच दो का डजर डिवाइडेड बाय चार। दो का और चार का एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास आ गया चार, तो दो को दो चार पे डिवाइड करें दो है, दो को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो दो सात चौदह, चौदह और दो का जजर जमा ये चार एक चार वन आ गया, फाइव वन था फाइव और ऐसे दो का जजर आ गया हमारे पास। इनको प्लस कर लें, चौदह और नौ उन्नीस हो गए, उन्नीस दो का जजर और नीचे हमारे पास आ गया चार, तो ये इसका हमारे पास ए थ्री का आंसर आ गया। अब इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर है फाइव, इसमें हमारे पास क्या है, पाँच और आठ के दरमियान छः जमी वस्त मनों की दी है, यानी कि अब हम इसके दरमियान में छः ए पॉइंट लगाएंगे वो फाइंड करेंगे। यहाँ पर आप देखिए पहले हम यहाँ पर लगा देंगे पाँच और उसके बाद ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स और बाद में हम लगा देंगे जी एट जी। तो पाँच और आठ के दरमियान हमने छः जमी वस्त मनों करने हैं, तो वह हमने लिख दिए ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जी। सबसे पहले हम डी फाइंड करेंगे, डी के लिए आप देखिए हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो ए वन जो है वो हमारे पास है जी फाइव जी। उसके बाद नंबर ऑफ वैल्यूज एन हमारे पास क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, टोटल वैल्यू हमारे पास हो गई एट। उसके बाद हमारे पास जो देखिए आप वन ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, जो ए एट है यानी कि आठवें नंबर पे जो वैल्यू है हमारे पास वो एट है। इनकी मदद से हम पहले डी फाइंड कर लेंगे, तो आप देखिए इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ए एन मतलब कि एन की जगह पे हम रख देंगे एट, ए एट हो गया इज इक्वल ए पे हमारे पास आ जाएगा फाइव, एन पे आ गया एट माइनस वन, डी सेम आ गया, तो ए एट हमारे पास क्या है जी वो एट ही है, तो इसकी जगह पे हम एट पुट कर देंगे, ये सेम आ गया, ये भी आठ में से वन माइनस कर दें सेवन रह गया और ये सेवन डी हो गया। अब ये जो एट प्लस है इसको हम दूसरी साइड पे जाके माइनस कर देंगे, एट माइनस फाइव, फाइव प्लस हो रहा है एट में से आगे फाइव माइनस हो गया, ये आ गया सेवन डी, तो आठ में से अगर हम फाइव माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थ्री, सेवन मल्टीप्लाई हो रहा है सेवन इधर आकर डिवाइड कर दें, तो डी का जो हमारे पास वैल्यू आ गई है वो है जी थ्री ओवर सेवन, इनके इसका मतलब है कि हर वैल्यू में थ्री ओवर सेवन प्लस करके तो अगली वैल्यू आएगी हमारे पास। अब यहाँ पर हम
पहले ए वन फाइंड करेंगे, तो ए वन जब हम फाइंड करेंगे तो ए जो स्मॉल है उसमें हम डी को प्लस कर लेंगे, तो वो ए जो है हमारे पास 5 है, डी जो है वो 3/7 है, इनको हम प्लस करेंगे तो इसके लिए कुछ नहीं है तो 1 होगा। 7 और 1 का एलसीएम 7 आ गया, 7 1 तो 7, 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 7 5 35 +3, तो ये हमारे पास आ गया 38/7, ए वन आ गया। अब हमने ए टू फाइंड करना है, जब ए टू फाइंड करेंगे ना तो ये ए वन का जो आंसर आया होगा उसमें डी प्लस कर लें आप, सिंपल है ये, तो ये हो गया 38/7 प्लस डी का जो आंसर है 3/7। जब नीचे वाली हमारे पास सेम हो तो ऊपर वाली भी हम सेम ही लिख सकते हैं ऐसे, इनके 7 LCM हो गया सेम, ऊपर वाली भी आपकी बिल्कुल सेम हो गई, तो ये हमारे पास आ गया 38+3 की ये तो 41/7 आ गया। अब जो है हम इसका A3 फाइंड कर लेते हैं, A3 के लिए जो A2 का आंसर आया उसमें डी प्लस कर लें, तो A2 का आंसर 41/7 +3/7 डी का आ गया, ऊपर वाली सेम लिख लें क्योंकि नीचे वाली सेम है, तो ये आ गया 44/7। अब हम A4 फाइंड करेंगे, तो A4 के लिए हम A जो 3 का आंसर आया उसमें डी प्लस कर लेंगे, A3 का आंसर हमारे पास ये आया 44/7 +3/7, तो इन दोनों को प्लस करेंगे ना, 44+3/7 इनको प्लस कर लें, ये बन गया 47/7 जी। अब जो है हमारे पास A5 है, A5 हम फाइंड कर लेंगे, तो A5 के लिए हम क्या करेंगे कि A5 इज इक्वल A4 +D, तो A4 का जो आंसर आया वो 47/7, D का आंसर हमारे पास था 3/7, तो इनको जब हम प्लस करेंगे, जब नीचे वाली सेम हो तो ऊपर वाली भी आपने बिल्कुल सेम ही लिख लेनी है, तो ये हो गया 50/7। अब लास्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो है A6, तो हम इसका A6 फाइंड करेंगे, तो A6 के लिए हम क्या करेंगे, A5 +D, A5 हमारे पास आया हुआ है 50/7 +3/7, हमारे पास हो जाएगा 50+3/7, इन दोनों को जब हम प्लस कर लेंगे तो ये बन जाएगा 53 ऊपर और 7 नीचे, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वैल्यूज आ गई हैं, A1 की ये 38/7, 41/7, फिर 44/7, 47/7, A5 की 50/7 और 53/7, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, वो भी सेम ऐसे का ऐसे ही है, इसको पहले सारा रेस करते हैं, इसकी जगह पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 6। जी तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास वो आप देखिए, 8 और 12 के दरमियान 7 जमी वस्त मालूम कीजिए। जी अब 8 और 12 के दरमियान हमने 7, पहले हमने 6 मालूम किए, अब हमने 7 मालूम करने हैं, इधर हम 8 लिख लेते हैं, फिर A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा जी 12। तो अब यहाँ से सेम वैसे ही पहले हम डी फाइंड कर लेंगे, ए जो है हमारे पास 8 आ गया, एन जो है ये 7 वैल्यू ये हैं, 8 और 9 टोटल वैल्यू हमारे पास 9 है जो, और A9 हमारे पास क्या है लास्ट वाली वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A9 हमारे पास 12 है। अब An इज इक्वल A+N-1 \D, तो ये फार्मूला अप्लाई करके हम पहले इधर से क्या फाइंड करेंगे जी, डी फाइंड करेंगे,
एन एन पे हमारे पास आ जाएगा 9, ए हमारे पास 8 है, एन पे आ जाएगा 9 माइनस 1, डी सेम आ गया। ए 9 जो है हमारे पास वो क्या है जी, 12 है, सेम आ गया, 8 आ गया, 9 में से 1 माइनस करें तो ये आ गया 8 डी, 12 में से 8 इधर जाके माइनस हो गया, यहाँ पर आ गया 8 डी बच गया। तो 12 में से अगर आप 8 निकाल लें 4 आ गया, 8 डी हो गया, तो 4 को 8 पे डिवाइड कर दें, तो इसको अगर आप कटिंग करेंगे 4 1 4 4 2 8, तो डी की जो वैल्यू हमारे पास आ गई है वो 1/2 आ गई है। अब हम इसको यूज़ करके तो बाकी वैल्यूज इसकी फाइंड करेंगे। तो अब हम इसका फाइंड करेंगे A1 पहले, तो A1 जब हम करेंगे तो A प्लस डी करेंगे। A हमारे पास देखिए क्या है जी, 8 है, और डी जो है वो 1/2 आ गया। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 2 एलसीएम आ गया, 2 1 2 और 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 2 8 16 प्लस 1, 2 1 2 और ये 1 सेम आ गया, 17/2 ये पहला आंसर आ गया। अब जो है हमारे पास A2 है, तो A2 जब हम करेंगे तो A प्लस हम A1 करेंगे, ये वाला A में हमारे पास जो है, सॉरी ये जब A2 करेंगे तो A1 में D प्लस करेंगे, A1 जो हमारे पास है 17/2 प्लस D हमारे पास 1/2 है, तो नीचे वाली सेम होंगी तो ऊपर वाली भी आपने बिल्कुल इसकी सेम ही लिख लेनी है। तो ये हमारे पास आ गया जी 17 + 1 18 हो गया हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 18 ऊपर और 2 नीचे, तो ये हमारे पास इसका दूसरा आंसर आ गया 2 9 18। तो इसका अब हम तीसरा आंसर निकालते हैं, उसमें हमारे पास आप देखिए A3 इज इक्वल होगा जो A2 का आंसर आया प्लस D कर लेना है, A2 का आंसर 9 आया, 1/2 आ गया D की जगह पे, इसका भी हम 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 9 18 और 2 1 2 1 सेम आ गया, तो ये आ गया 19/2। ऐसे ही हम A4 निकाल लेंगे, A4 के लिए हम A3 प्लस D करेंगे, A3 का आंसर 19/2 आ गया प्लस 2, तो जब नीचे सेम हो ऊपर वाली भी सेम ही लिख लेंगे आप, तो ये बन जाएगा 17/2। बच्चों अब नेक्स्ट A5 के लिए इस साइड पे हम कर लेते हैं इसको, जब हमने A5 फाइंड करना है तो यहाँ पर आप देखिए A5 इज इक्वल A4 प्लस D। A4 का जो आंसर है वो 17/2 यूज़ करेंगे आप, 17/2 प्लस D का जो आंसर हमारे पास वो था जी 1/2। तो अब हम क्या करेंगे जी, तो 2 और 2 सेम है नीचे, तो ऊपर वाली भी हमारी सेम टू सेम ही आ जाएगी, तो ये आ गया 18/2, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा जी, सॉरी यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, 19 में अगर हम 2 प्लस करें तो वो 21 बनता है, तो यहाँ पर हम 21 लगाएंगे, तो इधर भी हम लगाएंगे जी 21 और 21, इन दोनों को प्लस कर लें तो ये आ जाएगा जी 22 में 2 को 2 पर डिवाइड करें, 2 1 2 2 1 2, इसका A5 का आंसर आ गया हमारे पास की 11। अब A6 करेंगे, जो A5 का आंसर आया होगा उसमें आपने D को ऐड कर देना, A5 का जो आंसर है वो हमारे पास 11 है, D इसका हमारे पास 1/2 है, तो अगर हम इनको करें एलसीएम लें, 2 एलसीएम आ गया, इसके नीचे कुछ ना होगा तो 1 होगा ना, 2 1 2 और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 11 2 22 प्लस 2 1 2 और 1 1 1, यहाँ पर हमारे पास आ गया जी 23/2। अब लास्ट हमारे पास रह गया A7, तो A7 के लिए हम क्या करेंगे, जो A6 का आंसर निकाल है उसको उसमें D प्लस कर लेंगे हम, A6 का आंसर आया 23/2 और जो D का आंसर था हमारे पास वो था जी 1/2, इसमें आप दोनों का एलसीएम ले लें, 2 आ गया और 23 और प्लस 1 ये आपका ऊपर वाला भी सेम ही आ जाएगा,
इसको आप प्लस कर लें तो ये हमारे पास आ गया 24/2, डिवाइड कर लें 2 1 2, 2 2 4, तो ये हमारे पास इसका 7वां आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं इस तरह हमने A1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 फाइंड कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वो करते हैं। हमारे पास हैं 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8, दोनों ही एक ही तरह के हैं और इंतहाई आसान है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। इसको आप देखिए, अगर 5 और B के दरमियान जमी वस्त 10 हो तो B की कीमत मालूम कीजिए। जमी वस्त का फार्मूला आप देख रहे हैं हमारे पास था A जमा B डिवाइडेड बाय 2। तो जमी वस्त का आंसर उसने हमें दे दिया कितना जी, 10। ये हमारा पास जमी वस्त हो गया 5 और B, इसका मतलब है कि A की वैल्यू उसने हमें 5 दे दिया, तो हमने B फाइंड करना है। सिंपल सी बात है। अब इसमें हम पहले डाटा लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये फार्मूला अप्लाई करके ना तो B की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जी। हमारे पास जो जमी वस्त है जिसे हम A कहते हैं वो हमारे पास है जी 10। उसके बाद ज़ाहिर है A और B के दरमियान होता है ना जमी वस्त, तो A की वैल्यू उसने हमें स्मॉल A है उसकी वैल्यू दे दी है, तो जो B है वो हम फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास है A = A जमा B/2। तो A का जो हमारे पास जमी वस्त का आंसर है वो 10 है, स्मॉल A जो है वो हमारे पास 5 है, B बिल्कुल सेम ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि B हम मालूम करेंगे और नीचे हमारे पास क्या है 2। तो ये जो 2 है डिवाइड हो रहा है, तो आगे इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2 10 × 2 5 + B ये आ गया 20, और 5 + B तो 20 में से 5 जा कर माइनस कर देते हैं। तो इसका B का आंसर आप सीधा करके लिख लें, इसको 20 में से 5 निकाल लें तो पीछे हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये हमारे पास इसका पहला आंसर आ गया था, ये आसान और इजी सा क्वेश्चन था। सेम ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, अगर A और 10 के दरमियान जमी बस 40 हो तो A की वैल्यू मालूम करें। इसका मतलब है कि उसने हमें B की वैल्यू दे दी है 10, और जो A है कैपिटल यानी कि जमी वस्त उसकी हमें वैल्यू दे दी है उसने 40, और जो स्मॉल A है अब हम वो फाइंड करेंगे। इसमें हमने B फाइंड किया, इसमें A फाइंड किया, सेम टू सेम वही मेथड है। अब आप फार्मूला लगा लें A जमा B/2, तो नीचे ये A की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 40, A की जगह पे A सेम आ गया, B पे आपने लगा देना 10 और नीचे आ गया 2। तो अब आप देखें 2 डिवाइड हो रहा है इधर आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई, A प्लस हमारे पास आ गया 10, तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 80 बन जाएगा, 4 × 2 = 8, 0 आ गया साथ, A + 10 10+ है तो 10 इधर जाके माइनस कर देते हैं यानी कि 80 - 10 = A। तो 80 में से अगर हम 10 माइनस कर दें तो हमारे पास 70 आंसर आ जाएगा जी। तो जी बच्चों, अब लास्ट पे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप नीचे रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होगा सब्सक्राइब, तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो पहुंच सके। और मैं YouTube चैनल का वो देख रहा था, उसमें जो सब्सक्राइबर के व्यूज़ हैं वो कम हैं और जो नॉट सब्सक्राइबर हैं उनके व्यूज़ ज़्यादा हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों ने चैनल पर आते हैं, वीडियोज़ भी देखते हैं, लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।